नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल मेरे एक व्यूवर का मेरे पास कमेंट आया और कमेंट में उससे पूछ रहे थे कि जोगिंदर सर हमें बता दीजिए टैली क्या होता है, टैली कितने प्रकार के आते हैं, टैली से क्या काम होता है और टैली के कितने वजन होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं टैली के बारे में अच्छे से ना, तो पूरे वीडियो को लास्ट बनाइए, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके लाइफ में काम आने वाला। उसके पहले आज चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए बता दूं आपको मैं, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप महारत हासिल करके हर महीने अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, समझे इस बात को ना। तो टैली जो है एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसका जो मेन ऑफिस था पहले कोलकाता में था, अब इसका हेड ऑफिस जो है बेंगलोर के अंदर है। वहीं से आपको 24/7 मिलता, सपोर्ट मिलता है। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर टैली कोर्स करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बता दूं आपको मैं, बही खाता जानते हैं आप, है ना, जोड़ घटाना करते हैं। पहले देखते होंगे कि पुराने ज़माने के अंदर ये पीला पीला बड़ा बड़ा किताब कॉपी आता था, जो अकाउंटेंट होते थे वो क्या करते थे, टाइप करते थे, पूरा नोट करते थे, बही खाता ऑफिस का जो भी चीज़ें बोल दीजिए ये होता था। अब टोटल काम क्या होता है, वो काम होता है कंप्यूटर के ऊपर होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हो जाए चाहे छोटे दुकानदार, हर जगह लोग जो अपना अकाउंटिंग का काम जो है ना, अब वो कंप्यूटर पे कर लिए हैं और उनको चाहिए एक सिस्टम जिसे काम करे, तो वही सिस्टम को बोलते हैं टैली। मतलब वो बही खाता बंद करके अब एक कंप्यूटर में आ गया है टैली सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से अपना आप जो क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, सारी चीज़ें उसमें एंट्री करते हैं, पूरा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर उसमें आप मैनेज कर सकते हैं। अब टैली का कोर्स कौन कर सकता है, देखिए टैली का कोर्स करने के लिए तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि कम से कम आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड रहेगा तो आप जल्दी उसको पकड़ लेंगे, जल्दी सीख लेंगे। मतलब जैसे बीकॉम की आपने हो या ट्वेल्थ के अंदर आपने कॉमर्स किया हुआ तो आप उसको जल्दी सीख पाएंगे। मान लीजिए कि आपने पढ़ाई किया ही नहीं है भैया, तब क्या करेंगे, टैली सीख सकते हैं। हाँ भाई, तब भी आप टैली सीख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि किसी कंपनी में काम करने के लिए कहीं पे काम करें, उनको क्या आज के डेट में कंपटीशन बढ़ चुका है, उनको काम चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे मिलते हैं वो टैली में अच्छा खासा जानकार हैं और वो फिर महीने का 15,000-20,000 कमाते हैं, और एक जगह नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप 4-5 जगह ऑफिस में घूम घूम के फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं, महीने का 15 कमा सकते हैं। ठीक है, तो टैली अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर है और कक्षा 8 पढ़ा आदमी भी टैली को सीख सकता है, टफ नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो उसका पैकेज जहाँ 8-5 बच्चे का रहेगा, 15,000 रुपये रहेगा तो उनका रहेगा, जो बी कॉम किए रहेंगे, जो एम कॉम किए रहेंगे उनकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। क्लियर है ना ये। अब देखिए टैली जो है ना मेनली 3 प्रकार का आता है, समझिएगा। टैली एक आता है सिंगल यूज़र अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक आता है टैली मल्टी यूज़र अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक आता है टैली सर्वर एडिशन। 3 प्रकार का टैली आपको मार्केट में मिलेगा। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर इसमें अंतर क्या होता है, तो बताओ देखिए जो सिंगल यूज़र टैली होता है ना उसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर का पड़ा हुआ है या एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो आपने उस टैली को खरीद लिया जो मोटा मोटी 20,000 रुपये का मिलेगा, GST सब जोड़ बता रहा हूँ आपको मैं, 20,000 रुपये का मिलेगा। कहीं कहीं कम बेसी मिलता है उस पर, ये बोलेगा मैं इतने रुपये मिलता है तो उसको देख लीजिएगा, 20,000 मिलेगा। आप एक लैपटॉप में एक कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसके ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं ऑनलाइन। क्लियर है एकदम, तो वो आप सिंगल यूज़र उसको बोलते हैं, सिंगल यूज़र बोलते हैं, तो वो हो गया आपको 20,000 रुपये का आता है। कोई कहता नहीं मेरे पास 4-5 कंप्यूटर है और 4-5 कंप्यूटर में हमको चाहिए कि टैली हम लोड कर लें और एक जगह हमारा एक लैपटॉप में डेटा सेव हो जाए और 4-5 जगह से हम चाहें तो अपनी एंट्री करना स्टार्ट कर दें, समझे। तो 4-5 जगह से एंट्री करना चाहते हैं तो एक जगह डेटा सेव हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए 4-5 कंप्यूटर ख़राब हो जाए ना तभी आपका डेटा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ, सर्वर के अंदर, समझे। तो सर्वर के अंदर पड़ा रहेगा, तो ये मेन हो गया, उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र। तो मैक्सिमम आप एक साथ में 100 कंप्यूटर लैन के थ्रू चला सकते हैं मल्टी यूज़र के अंदर। सिंगल यूज़र 20,000 रुपये का, तो मल्टी यूज़र मोटा मोटी GST जोड़कर 54-55,000 रुपये का आपको मिलेगा मल्टी यूज़र। लेकिन जब बात आती है डेटा सिक्योरिटी की, तो क्या होगा कि इसे मल्टी यूज़र टैली आपने लोड कर लिया तो एक कंप्यूटर में आपका डेटा पड़ा हुआ है, दूसरे जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर सर्वर से कनेक्ट होकर के आपके डेटा को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जो आदमी क्लाइंट रहेगा ना तो डेटा में जाकर कुछ छिड़खानी कर सकता है, डेटा को ले सकता है पेन ड्राइव के अंदर, सारी चीज़ें रिस्की होता है। बस ये होता है कि आप एक टैली से जो है 10 जगह या 100 जगह काम कर सकते हैं, आपका डेटा एक जगह सेव हो रहा है, तो मल्टी यूज़र हो गया। फिर उससे भी महंगा आता है टैली सर्वर एडिशन।
देखिए टैली सर्वर एडिशन के अंदर ये होता है कि आपके डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। कोई भी क्लाइंट, मतलब मान लीजिए 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और सर्वर टैली लोडेड है, तो कोई भी क्लाइंट वहाँ बैठ कर देख नहीं सकता उसका डेटा कहाँ सेव हो रहा है, वो हिडन होता है और सिक्योरिटी बहुत हो जाएगा। और सर्वर बैठ करके किस यूज़र को कितना काम करना है, किस यूज़र को कौन से वाउचर पर काम करना है, वो कितने देर तक काम कर रहा है, सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं आप सर्वर से, समझ गए ना। तो मतलब सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और टैली सर्वर, तीन प्रकार के टैली आपको मिलते हैं। इसका अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इस तरह टैली सर्वर सेल नहीं किया है, लेकिन पता किया लगभग 3 लाख से ऊपर के टैली सर्वर को मिलेगा। तो मैं बहुत कम जगह देखता हूँ कि ये कंपनियों में ही लोड होता है टैली सर्वर का। फिर अब टैली की बात जब करते हैं तो पहले टैली में कितने वर्जन आते हैं, देखिए जैसे जैसे हमारा सन बदलता गया, मतलब पहले 2001 आया, 2002 आया, तो टैली के अंदर भी जो है चीज़ें चेंज होती चली गई। जब मैं टैली पे काम करना और सीखना स्टार्ट किया था उसमें टैली 5.4 आता था, फिर 6.3 आना स्टार्ट, मतलब वर्जन बता रहा हूँ मैं, 5.4 आया, फिर 6.3 आया, फिर 7.2 आया, उसके बाद 9 पॉइंट तक चला टैली पड़ा। टैली ERP आता था कुछ दिन पहले तक, टैली ERP पे लोग काम करते थे संतुष्ट ले, लेकिन फिर उसके बाद जो है कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, तो टैली अब जो मार्केट में मिलेगा उसको बोलते हैं टैली प्राइम बोलते हैं। टैली ERP पुराना हो गया, अब मार्केट में जाएंगे तो मिलेगा टैली प्राइम, चाहे सिंगल यूज़र ले, चाहे मल्टी यूज़र ले, चाहे टैली सर्वर का जो भी ले। देखिए टैली ERP और टैली जो प्राइम है मेनली उसमें क्या होता है, जैसे आज के डेट में आपको बिज़नेस करते हैं तो आपको अपने सामान को, मतलब आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको एक ईवे बिल चाहिए होगा, तो 50,000 नीचे रहेगा तब तो ईवे नहीं चाहिए, लेकिन 50,000 से आपका अगर सामान ज़्यादा है, आपका गुड्स लेके एक गाड़ी उधर जा रही है, तो आपको एक ईवे बिल प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आप टैली ERP यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट में, तो उनके पोर्टल पर जाकर के, गवर्नमेंट साइट पर जाकर के आपको ईवे बिल बनाना पड़ता है, आपका GST नंबर सारी डालना पड़ता है, लेकिन टैली प्राइम के अंदर ये फीचर है कि आप वहीं से जाकर के ईवे बिल क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा देखिए हाईटेक है ये, तो ये है, तो ईवे बिल बना सकते हैं और उसके बाद जो है किसी को माल भेजना है यहाँ से वहाँ करके उसको ले सकते हैं। और देखिए टैली आपको ख़रीदना अगर है तो बहुत सारे जगह, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वाला टैली फ्री वाला लोड करवा लीजिए, फ्री वाले टैली में लोड करवाने से आपको, आपका डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ टैली के मामले, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, 20 लाख कंपनी है, काम कर रही है, तो डेटा ही सिक्योरिटी नहीं रहेगा, किसको कितना देना है, किसको आपको कितना लेना है, तो इसलिए हमेशा जो है जेन्युइन टैली कर लीजिए। देखिए कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करेंगे टैली का, देखिए ये स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है लेकिन मुझे टैली सॉफ्टवेयर पसंद है इसलिए मैं जो है उस पर आपको बता रहा हूँ। तो आप टैली के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पता करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे टैली टोल फ्री नंबर सेल नंबर, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सीधे आपको वहाँ से बता दिया जाएगा टैली इतने रुपये का आता है, या तो आपको किसी ऐसे दुकानदार का नंबर बता देंगे कि वहाँ से आप फोन कर पता कर सकते हैं। ये हो गया, जब टैली आप किसी कंप्यूटर में लोड करवा लेंगे ना, तो देखिए मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि सेल्स आफ्टर सर्विस, टैली का सेल्स आफ्टर सर्विस बहुत ही अच्छा है। मैं कभी फंसता हूँ कुछ, मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग काम करता हूँ तो कभी कभी कस्टमर का डेटा बैकअप लेना होता है, कभी टैली इंस्टॉल करना पड़ता है, तो मुझे कोई दिक्कत आती है तुरंत मैं जो उनके टोल फ्री नंबर फ़ोन करता हूँ जो कि गूगल पर ईजिली अवेलेबल है, उस पर फ़ोन करके आप टैली से कस्टमर केयर फोन करके सपोर्ट ले सकते हैं। इतना वो हेल्पफुल होते हैं ना कि आपके चीज़ों को समझते हैं आसानी से, फिर वो गाइड करते हैं, और जब तक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करवा लेंगे तब तक हटते नहीं। इनकेस बात करते समय कभी आपका फ़ोन कट भी जाएगा ना, तो दोबारा आपका नंबर ले रहते हैं, दोबारा कॉल बैक करते हैं आपको, इस तरीके से करते हैं। तो ये टैली का जो मेन चीज़ें थे बता दी आपको मैं कि क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टैली का कोर्स करके काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला उनका है। अगर आप कहीं चाहते हैं तो 6 महीने कहीं से कोर्स कर सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि 1 महीने में सीख सकते हैं, लेकिन 6 महीने का टैली का कोई भी आप कोर्स कर लीजिए और उसके बाद टैली बेसिक आपको आ जाएगा तो आपकी जीविका स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ना टैली पे काम करना, लोगों का रिक्वायरमेंट हमारे पास भी आता रहता है, हमसे लोग पूछते रहते, जोगिंदर भाई बताइए कि टैली पे काम करने का लड़का है, तो इसलिए प्लीज़ जाइए आग बंद करके और बेझिझक जो है टैली पे और ये लैपटॉप कंप्यूटर चलाना बनाना सीखिए तो आपके काम आने वाला दोस्तों। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दोस्तों। आप सब लोग को धन्यवाद और नमस्ते दोस्तों।